दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस टाइम पे बुडापेस्ट हंगरी में हूँ। मेरे साथ भाई हैं, पाकिस्तान से हैं इनका तल्लक, और ये यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो इनसे ज़रा बात करते हैं, मोटी मोटी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे, किस तरह ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये पाकिस्तान से यहाँ आए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भी पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी पाकिस्तान टोबा टेक से। टोबा टेक से। कितना टाइम हो गया यहाँ पे हंगरी में आपको? इधर 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो पाकिस्तान से वर्क परमिट लेके आए थे? जी पाकिस्तान से वर्क परमिट। ठीक हो गया। तो थोड़ा बताएंगे इफ यू डोंट माइंड, मंथली कितना अर्निंग हो जाती है यहाँ पे? जी इधर 10-12 घंटे काम करके 1000 यूरो निकल आता है जी, खर्चा निकाल के, टैक्सेस वगैरह निकाल के। टैक्सेस? हाँ जी, 10-12 घंटे बंदा काम करे आसानी से रेगुलर। जी जी। छुट्टी वगैरह ना हो। ओके। तो 1000 यूरो निकल आता है टैक्सेस दे के और घर के अखराजात वगैरह। यानी खाना पीना, रहना, नेट का बिल सारा निकाल के 1000 यूरो बच जाता है। जी। लेकिन 10 से 12 घंटे काम करना होता है। 12 घंटे ज़्यादा से तकरीबन लाजमी 12 घंटे। तो इसमें सैलरी क्या मंथली मिलती है आप लोगों को या वीकली मिलती है? वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मंथली एक मंथ का जी, जिसमें हम वीक के 40 घंटे और एक दिन के कर सकते हैं जी 8 घंटे, जिसमें हमें 2 छुट्टियाँ हफ्ता और एतवार। ओके। लेकिन इधर छुट्टी कोई नहीं करता, सारे काम करते हैं, सब भाई काम करते हैं जी, सारे काम करने आए हैं। सही हो गया। तो इस वजह से डिलीवरी का काम है। साइकिल कौन सी आपकी जो दिखाई? ये इलेक्ट्रिक साइकिल है भाई के पास जी। इस साइकिल पे तकरीबन ये जितने भी खड़े हैं सारे इलेक्ट्रिक साइकिल हैं सबके पास। ठीक हो गया। तो ये कितने की आ जाती है साइकिल? ये 900 यूरो की आती है डबल बैटरी के साथ। डबल बैटरी के साथ 900 यूरो की आती है ये। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से या यहाँ, वैसे ज़्यादातर कौन सी कंट्री के लोग हैं जो इधर? 4-5 कंट्री के ज़्यादा लोग हैं जी। हम पाकिस्तान से ज़्यादा, फिर इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से और वियतनाम से। वियतनाम से ज़्यादा। ठीक हो गया। तो ज़्यादा डिलीवरी का काम है। आप कहते हैं कि डिलीवरी के काम में ज़्यादा पैसा है? डिलीवरी के काम में ज़्यादा पैसे हैं और ये अच्छा काम है। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है। अभी नए आने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? नए आने वालों के लिए यही मैसेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखे आए। ओके। और अपना एक मैप वगैरह चलाना सीखें। सही है। इंग्लिश सीखें। सही है। और अच्छा इधर आके अच्छा काम करें, लोगों के साथ ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ अच्छे रहें तो ये अच्छा रहता है। ठीक हो गया। यानी इंग्लिश आनी चाहिए, मैप यूज़ करना आना चाहिए बंदे को, और क्या है, लोगों से कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है इंग्लिश वगैरह। तो जब आप वर्क परमिट लेते हो तो क्या वहाँ पे कोई होता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए? इंटरव्यू लेते हैं एम्बेसी में, इंग्लिश में लेते हैं। सही है। तो इसलिए इंग्लिश है। उधर भी अगर इंग्लिश आती हो तो उधर भी इंटरव्यू देना आसान होता है, इंटरव्यू में रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सही है। TRC वगैरह बन गई आपकी? जी हमें TRC आते ही मिल गई थी उसी हफ्ते में, 2 साल की। अच्छा, 2 साल की आती मिल गई, दिखा सकते हैं इफ यू डोंट माइंड अभी बस? यानी आते ही 2 साल की TRC मिल गई है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये देखें जी भाई की TRC है, और ये 2 साल के बाद दोबारा रिन्यूअल हो जाएगी? जी। 2 साल के बाद फिर 2 साल की होगी या 3 साल की होगी? 2 साल के बाद 1 साल की होगी जी, फिर आगे देखें कितने की करते हैं या इनकी मर्जी है, क्योंकि हम कंपनी में काम करते हैं। तो यानी कि 5 साल के बाद ऐसे बंदा रहता रहे तो PR अप्लाई कर सकता है? PR अप्लाई कर सकता है। दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट। बहुत शुक्रिया भाई जान आपका, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स।